आइए देख लेते हैं जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन का ईसी का बॉयलर का लेक्चर टू। ठीक, टाइप्स ऑफ बॉयलर। देखिए एक चीज़ समझिए, बॉयलर बहुत प्रकार का होता है। इसका बेस होता है, बेस के आधार पे हम डिवाइड करते हैं कि क्या क्या होता है। पहले बात कर लें, ठीक ना, ट्यूब के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूब, या इसको हम लोग लिख सकते हैं नली के आधार पर। नली के आधार पर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका वाटर ट्यूब बॉयलर, दूसरा होता है आपका फायर ट्यूब बॉयलर। अब दूसरे की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, दाब के आधार पर एक होता है आपका हाई प्रेशर बॉयलर, दूसरा होता है आपका लो प्रेशर बॉयलर, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल प्रेशर, एक होता है आपका सब क्रिटिकल, दूसरा होता है आपका क्रिटिकल, तीसरा होता है आपका सुपर क्रिटिकल। ठीक, अब यहाँ बता देते हैं चौथा। देखिए बहुत ही एक दो प्रकार के नहीं होते, इतने प्रकार के होते हैं कि लगभग 12-13 जो है केवल बेसिस पे हम आपको बता सकते हैं। ठीक, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाएगा तो इसलिए जो है हम बहुत ज़्यादा नहीं आपको बताएंगे, लगभग 6 जो है बेसिक केवल बताएंगे, जितने में आपका काम हो जाए। ठीक, तो ये समझिएगा चौथा जो आपका होता है एक्सिस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस, अक्ष के आधार पर एक होता है आपका वर्टिकल, एक होता है हॉरिजेंटल। ठीक, पांचवें की बात कर लें यहाँ पे। अभी हम एक एक आपको समझाएंगे, परेशान ना होइए कि सर बता के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, हम आपको एक एक समझाएंगे यहाँ पे। ठीक, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी कहते हैं, मोबिलिटी छोड़िए पोर्टेबिलिटी, या इसको हम स्टेबिलिटी कह लें, सबसे अच्छा सब स्टेबिलिटी, यानी कि स्थायित्व के आधार पर। ठीक, एक होता है मोबाइल बॉयलर, या इसी को हम लोग कहते हैं पोर्टेबल, और दूसरा होता है आपका स्टेशनरी, एक क्या होता है आपका स्टेशनरी बॉयलर। ठीक, समझ में आ गया। अभी छठा भी हम आपको यहाँ बता सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रॉप के आधार पे। ठीक, ड्रॉट क्या होता है उसको भी समझाना पड़ेगा आपको, ठीक ना,
तो कई प्रकार के होते हैं हम, लेकिन पांच जो है आपको बता दिए हैं, इतना ही आपके बुक में नहीं दिया होगा जितना हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। मेन मेन बस वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब, लो प्रेशर, हाई प्रेशर दे करके ख़त्म कर देता है, लेकिन समझ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपको बता देते हैं। देखिए पहला जो आप देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूब, नली के आधार पर, देखिए होता क्या है, पहला आपका क्या लिखा, वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब, यानी कि देखिए बॉयलर जो होता है, बॉयलर के खोल में जो है नलियाँ लगी होती हैं, ठीक। इस नली में हम क्या करते हैं, या तो ट्यूब में पानी भरेंगे, हीट ट्रांसफ़र की रेट को बढ़ाने क्या करते हैं, इस बॉयलर के अंदर ट्यूब लगाते हैं, ठीक, और बाहर खोल होता है, ठीक ना। अब हम नीचे से जब हीट देते हैं तो इसके जो पानी है, जल है, वो जल गर्म होंगे, या फिर ये देखिए गैस और जल दोनों होते हैं, एक गैसेस जो नीचे से निकलती हैं वो, और दूसरा जो जल होता है, इन्हीं दोनों के कारण भाप बनता है। तो हीट ट्रांसफ़र रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग ट्यूब का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो अगर इस ट्यूब में जल भरा होगा, ठीक ना, अगर इस ट्यूब में जल भरा होगा तो इसे हम कहते हैं वाटर ट्यूब, और इस ट्यूब में अगर ये गैसेस आएंगी, यही गैसेस क्या करेंगी, ट्यूब में आएंगी और बाहर जल होगा, तब इन दोनों का टकराव होकर, टकराव होने से जो भाप बनेगी वहाँ हम कहते हैं फायर ट्यूब, ठीक। तो अगर ट्यूब में वाटर होगी तो वाटर ट्यूब, और अगर फायर होगी तो फायर ट्यूब, ठीक ना। अब दूसरा, हाई प्रेशर बॉयलर, लो प्रेशर बॉयलर में समझिए। हाई प्रेशर का मतलब कि अगर बॉयलर के अंदर 80 बार, ठीक, बार जानते हैं आप लोग प्रेशर की यूनिट है, अगर जो भाप बन रही है उसका प्रेशर 80 बार से कम है तो उसे हम कहते हैं लो प्रेशर बॉयलर, और अगर 80 बार से ज़्यादा है तो उसे हम कहते हैं हाई प्रेशर बॉयलर, ठीक, जो भाप अंदर बन रही है, ठीक ना। जैसे यहाँ से मान लीजिए जो भाप बनकर निकली, अब इसको मैं यहाँ पे नाप लें, ऊपर प्रेशर गेज लगा होता है, अगर वहाँ बता रहा है कि 80 बार तो हम कह दें 80 बार, मान लीजिए 81 बार बता दिया, ठीक ना, तो उसको हम कह देंगे लो हाई प्रेशर, और अगर यहाँ पर मान लीजिए 70 बार बताया तो उसे हम कह देंगे लो प्रेशर, ठीक, समझ में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल प्रेशर, देखिए एक क्रिटिकल प्रेशर होता है 221.2 बार, ठीक ना, ये अगर इतने पे, इससे अधिक, इससे कम पे रहेगा अगर, ठीक, तो उसे हम कहेंगे सब क्रिटिकल, यानी इतने प्रेशर से अगर कम पे बॉयलर में भाप बन रही है तो बॉयलर को सब क्रिटिकल बॉयलर, और इतने पे ही बन रही है तो क्रिटिकल बॉयलर, और उससे ज़्यादा बन रही है तो सुपर क्रिटिकल। इसका मतलब होता है क्रांतिक दाब, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अच्छ के आधार पर, कभी कभी बॉयलर की जो अच्छ होती है वो ऐसे होती है, ठीक, तो उसको हम वर्टिकल कहते हैं, कभी कभी ऐसे लेटी जैसे लोकोमोटिव होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अगर इस प्रकार होगा तो उसे हम वर्टिकल कहेंगे, और ऐसा होगा तो उसे हम हॉरिजेंटल कहेंगे। अब स्थायित्व के आधार पर का मतलब क्या है, कि कभी कभी बॉयलर क्या होता है, एक ही स्थान पर रखा होता है, ठीक, और कोई कोई बॉयलर ऐसा रहता है कि चलता फिरता रहता है, तो मोबाइल का मतलब क्या होता है, चलता फिरता। अगर कोई ऐसा बॉयलर था वो चलता फिरता, जो ट्रेन में बॉयलर इस्तेमाल करता था वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता था, चलता था, तो मोबाइल। पावर प्लांट में जो बॉयलर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, एक स्थान पे रुका रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी या फिक्स बॉयलर, ठीक। तो इस प्रकार के बॉयलर होते हैं। अब आपको समझ गए होंगे जो जो चीज़ें हम बताएं, उस प्रकार से पॉइंट नोट करके आप जो है वर्गीकरण हेडिंग डाल के इसको पूरा क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।